मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ के खंडक बाजार में गैस सिलेंडर में लगी आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी जान बचाकर बड़े लोग तो घर से भाग निकले, लेकिन दो मासूम बच्चे जिंदा ही जल गए। दोनों की उम्र 21 दिन व 6 माह थी। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। खंडक बाजार में मस्जिद के पास इद्रिस का परिवार रहता है। इद्रिस के पोतों का हकीका था। इस समारोह में भाग लेने के लिए मेहमान आए हुए थे। घर पर खाने की तैयारी चल रही थी कि अचानक ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिलेंडर फटने की आशंका के चलते परिजनों ने बाहर की तरफ खुद को बचाते हुए दौड़ लगा दी। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने फर्स्ट बाइट संवाददाता को यह जानकारी दी। ये गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगी है, उसमें दो बच्चियों की मृत्यु हुई है, अलीजा और इनास। ये बच्चियाँ 21 दिन की और 11 दिन की थी। उनके पिता का नाम और एक पुलिस टीम आई है और रेवेन्यू की भी टीम है, लोगों ने संज्ञान लिया है और अभी जांच चल रही है। आग के लगने का कारण सर? गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण। अच्छा, किसका मकान है कुछ पता चला सर? इद्रीस है उनका मकान खंडक बाजार में। कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी आग बुझाने को? आ गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, आ गई कर दिया गया। बच्चियाँ चूंकि अंदर ही रह गई थी, इसकी वजह से। तो जो बच्चे मृत हुए कितने कितने टाइम के हैं कुछ पता चला सर? 21 दिन की है। और परिवार की सहायता के लिए क्या कदम उठाए? रिपोर्ट लगेगी, पीछे से देख लिया अगर आज भेजा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।